हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल इन एसयूआई ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 7 दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू एन एसक्यूएल। इन आवर प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी फिनिश दिस चैप्टर, टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ दीज इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो द फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको पता है कि हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है जो है वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर विंडो पे क्रिएट करते हैं, लाइक वर्ड पैड, नोट पैड, लेकिन हमेशा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम उसके एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं विच इज़ द डॉट एच टी एम और डॉट एच टी एम ए, लेकिन यहाँ पर गिवन है डॉट एच टी एम। सो द राइट आंसर इज डॉट एच टी एम। दिस इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एच टी एम एल फाइल। And the next question is which attribute give the color to the background of a web page? Background कौन सा जो attribute है जो कि background आपके web page में background के color को देता है, that is BG color. BG color is attribute. BG color is a attribute of the body tag. ये body tag का एक attribute है BG color. विच गिव्स द बैकग्राउंड कलर टू योर वेब पेज। ओके स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज बी जी कलर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। स्टूडेंट्स, फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज साइज, कलर एंड फेस। 3 एट्रीब्यूट्स आर यूज विद द फॉन्ट टैग, बट द फोर्थ ऑप्शन ए अलाइन। अलाइन कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है जो कि फॉन्ट टैग में कोई भी एट्रीब्यूट अलाइन नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज अलाइन। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली व्हाट इज अलाइन? अलाइन क्या होता है? अलाइन मैंने आपको अलाइनमेंट बताए थे, सेंटर, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड, ये अलाइनमेंट्स होते हैं, बट ये फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। सो दैट्स वाई द आंसर अलाइन इज राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बार डिस्प्ले द कंप्लीट पाथ द फाइल नेम। कौन सा ऐसा बार है जो कि आपके पूरे फाइल नेम के पूरे पाथ को डिस्प्ले करता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एड्रेस बार, एज द नेम सजेस्ट, एड्रेस बार means it show all the path of that contain the file name। ये क्या करता है? ये पूरा complete path file name के साथ पूरे complete path को show करता है। Next question number 5, which key is to be pressed so that menu bar appears during viewing an HTML code? HTML code को view करने के लिए हम मेन्यू बार, जब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं उसके बाद हमें मेन्यू बार को ओपन करने के लिए ऑल्ट की को प्रेस करना होता है। सो द राइट आंसर इज ऑल्ट की टू एपियर द मेन्यू बार। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज A closing tag is created by placing dash in front of an opening tag. हमेशा closing tag जो होता है वो opening tag की तरह similar होता है, लेकिन उसके पहले क्या लगा होता है? That is forward slash. Forward slash. Opening tag के पहले अगर forward slash लगा देते हैं तो वो एक closing tag बन जाता है। Forward slash इस तरह का slash होता है, ठीक है? इस तरह, जैसे कि बॉडी टैग, फॉर एग्जाम्पल बॉडी टैग का जो ओपनिंग टैग है दैट इज ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग क्या है? फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ओपनिंग टैग के अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश में लगा दिया दैट इज क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2,
ऑल एट्रीब्यूट वैल्यूज आर एनक्लोज इन डैश मार्क. जितनी भी एट्रीब्यूट वैल्यूज होती हैं उनको हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज एनक्लोज करते हैं. ठीक है, सो डबल जैसे कि एट्रीब्यूट में मैंने साइज दिया तो साइज कितना होना चाहिए वो साइज पिक्सल्स में होते हैं और पिक्सल्स को हम जो नंबरिंग होती है जो वैल्यूज होती है उनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह राइट करते हैं. सो ऑलवेज राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू इन द डबल कोटेशन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन पेयर आर कॉल्ड. जो एलिमेंट पेयर में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंटेनर एलिमेंट. कंटेनर एलिमेंट, यू नो दैट टू टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, दैट इज कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर एलिमेंट जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो, दैट इज दे आर एग्जिस्ट इन पेयर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एंड एम्प्टी एलिमेंट विच आर डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर मीन्स केवल ओपनिंग होता है उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो वो होते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. बीजी कलर एट द डैश एट्रीब्यूट The dash attribute of the body tag is used to specify the background color of a web page. तो कौन सा ऐसा attribute है body tag में जिसको हम background color देने के लिए web page में use करते हैं. As I told you, मैंने बताया था कि background web page में background का color देने के लिए एक attribute होता है body tag में, that is BG color attribute. BG color. नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द डैश स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप फेस और द नेम ऑफ द फॉन्ट. फेस एट्रीब्यूट में भी कई तरह, फेस टैग में भी कई तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज द फॉन्ट फेस, सॉरी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, इस तरह से कई सारे एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं. तो फेस फॉन्ट फेस इज अ एट्रीब्यूट विच इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप और द नेम ऑफ द फॉन्ट. ओके, राइट आंसर इज फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड, स्टेट्स आंसर इन वन वर्ड. Answer in one word. And the first question is fast delivery size. Practical reception. To italicize text. Text को italicize करने के लिए कौन सा tag use करते हैं? That is italic tag. एंड इटैलिक टैग को हम लिखते हैं इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग पैराग्राफ टैग किस तरह से यूज होता है, इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज टू मेक द गिवन टेक्स्ट बोल्ड. टू मेक द गिवन टेक्स्ट बोल्ड. टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए वी आर यूजिंग द बोल्ड टैग. बोल्ड tag, that is. Next is to draw horizontal line, to draw a horizontal line between two paragraphs, between two सभी इंडिकेटर ध्यान दें, बिल के अकॉर्डिंग
टू पैराग्राफ के बीच में ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल रूलर टैग का यूज करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रूलर टैग. नेक्स्ट इज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक टैग का, दैट इज लाइन ब्रेक टैग. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ टैग एंड लाइन ब्रेक टैग? एक्चुअली जब हमें न्यू पैराग्राफ लाना होता है तब हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ओनली टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में राइट करना है, तो हम लाइन ब्रेक टैग का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, न्यू लाइन से टेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए वी यूज अ लाइन ब्रेक टैग, एंड न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए वी यूज द पैराग्राफ टैग. दीज आर द एक्सरसाइज विच वी हैव कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. So students, I will provide you the PDF file. With the PDF file, you can understand all the answer and note down in your notebook with the help of the given PDF. Thank you students, have a nice day.